बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। ये एक वाकया पेश आया आज सुबह सवेरे। सतियाना रोड के ऊपर शहज़ोर डाला जो है हुंडई, उसने हिट किया है एक स्कूल वैन जो होती है उसको, और जिसके नतीजे में चार बच्चियां जो लड़कियां थीं स्कूल की या मतलब यूनिवर्सिटी जा रही थी, चार लड़कियां जो कि ज़ख्मी हुई हैं और उनके साथ तकरीबन ड्राइवर जो है वो भी शदीद ज़ख्मी हुआ है। ये मैं वाकई आपसे शेयर करता हूँ, जो नए आने वाले दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ये 16/6/2022 लोकेशन है नियर ज़िक पंप अवान वाला स्टाफ सत्याना रोड फैसलाबाद। विक्टम 6 यानी बताए जाते हैं। उस्बा डॉक्टर ऑफ आशिक 21 साल उम्र है। आमना डॉक्टर ऑफ लियास 22 साल उम्र है। आयशा डॉक्टर ऑफ मजीद 20 साल उम्र है। नादिया डॉक्टर ऑफ उमर 15 साल उम्र है। फहरोज़ या फिरोज़ डॉक्टर ऑफ शेर, यानी ये फहरोश लिखा हुआ है नाम, इसमें शायद कोई गलती हो लिखने में। फहरोश डॉक्टर ऑफ शेर 18 साल उम्र है। और तनवीर वल्द अब्दुल मजीद ये है जनाब ड्राइवर, इसकी 29 साल उम्र लिखी हुई है। ये 6 अफराद उस गाड़ी में सवार हैं पिकअप में, और ये जनाब जो कैरी डब्बा जिसको हम कहते हैं, तो शहज़ोर डाले के साथ मतलब इनका ये वाकया पेश आया है, हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये अवान वाला सत्याना रोड फैसलाबाद से। नाज़रीन, सुबह सवेरे अमूमन कुछ लोग नींद में होते हैं और इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। बहरहाल ये अफसोसनाक वाकया हमने आपसे शेयर किया। 16/6/2022 का ये वाकया है, नाम मैंने आपके सामने रखें। तो ये जो गाड़ी थी J117 इसका नंबर था, JG117 कैरी डब्बा जो कि ये डैमेज हुआ है, और ये जो हमारे पास जिस तरह ये वीडियो वाकया आया। तो नाज़रीन, इसके अलावा ये एक कल का वाकया है, 15/6/2022 का, पीपल्स कलोनी यानी रात का वाकया है। पीपल्स कलोनी नंबर 1 चिनवन रोड के ऊपर फैसलाबाद। ये उसामा वल्द मोहम्मद अजमल 25 साल उम्र है। गुल्फशां कलोनी फैसलाबाद, गुल्फशां कलोनी से इनका ताल्लुक़ है। ये फैसलाबाद झांग रोड के ऊपर इनकी रहायश वाकया थी। तो नामलूम अफराद ने इस नौजवान को गोली मारी और वो फरार हो गए। ये वाकया भी कल 15/6/2022 को पेश आया। चिनवन रोड डी ग्राउंड के इलाका में ये नौजवान आया हुआ था झंग रोड से, और इसके ऊपर फायरिंग की गई है। बहरहाल जी, इनकी क्रिटिकल हालत सूरत हाल जो है वो सीरियस है, क्रिटिकल बताई जाती है, लेकिन इसको 1122 ने रिस्पॉन्ड किया और इनको सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में शिफ्ट किया। और इसी तरह मैंने जो पहला वाकया आपसे बयान किया है वो भी, जो विक्टम हैं 6 के 6 अफराद, 5 जिसमें स्कूल की लड़कियां और ड्राइवर समेत 6 अफराद को सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में शिफ्ट किया गया है। नाज़रीन, ये वाकया पेश आया सुबह आज 16/6/2022।